इंडिकेटर यहाँ पे हेलोजन मिलता है, यहाँ पे मिलता है अपने को एलईडी जो कि एक चेंज हो जाता है। ग्लॉसी ब्लैक, गोल्डन अलॉयज, ग्लॉसी रेड, गोल्डन अलॉयज, यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है। कौन सी आप लोग लेना प्रीफर करोगे, V3 या फिर V4, कमेंट में ज़रूर से बता देना है। 6,000 रुपये का अंतर है, 1,55,000। और सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना रहने वाला है कंपैरिजन वीडियो इन दोनों ही बाइक्स की। आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई FZS V4 वर्सेस FZS V3, ये अपना वीडियो आज का रहने वाला है। दोनों ही बाइक को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ सिमिलर है, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम हो जाती है, प्लस प्राइस डिफरेंस वो सबसे मेन हो जाता है ना, और उसी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए हो जाता है, और कलर ऑप्शंस भी सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे एक लाइक ज़रूर से कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। V4 का भी और V3 का भी डिटेल्ड राइड रिव्यू भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो दोनों ही बाइक्स के साथ। सेम कलर में दोनों ही बाइक्स आज के लिए मैंने ना अवेलेबल करवा ली है। ये रहा अपना मैट ब्लैक में FZS V3 और मैट ब्लैक में ही FZS V4 प्लस FZ V3 भी अपने अभी के लिए अवेलेबल है नए वाले कलर ऑप्शन के साथ। तो इसको भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी ले लेते हैं आज ना साथ के साथ ही। तो एक ये तीनों ही बाइक्स का कंपैरिजन चलो आज आप लोगों के लिए बना देते हैं। तो ये है V3, ये रहता है अपना मिड बेस, और टॉप एंड हो जाता है आपका V4 यहाँ पे FZS V4। ये है मैट ब्लैक, वहाँ पे है मैट सिल्वर वाला कलर ऑप्शन, और तीनों ही बाइक्स के बाकी के कलर ऑप्शन इस वाली वॉल के पीछे रहने वाले हैं, जो कि आगे चल के वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे। पहले एक थोड़ा सा लुक से आइडिया अपन लोग कर लेते हैं, क्योंकि वही कुछ चीज़ें ही यहाँ पे डिफरेंट है। मेजरली देखा जाए तो इंजन सेम है तीनों ही बाइक्स में, टायर सेटअप सेम है, ब्रेकिंग सेम है, बस यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड हो जाता है, बट ABS सिंगल चैनल ही तीनों ही बाइक्स में अपना रहने वाला है। प्राइस डिफरेंस दे देते हैं आपको पहले ना वीडियो के स्टार्ट में, ताकि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर सको वीडियो में। तो FZS ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करने वाला है V4 1,61,000, 1.61 ऑन रोड जयपुर। FZS V3 1.55 ऑन रोड जयपुर। FZ V3 हो जाता है 1.47 ऑन रोड जयपुर, 1,47,000, 1,55,000 और 1,61,000। अब अभी के लिए इन दोनों में ही एक कंपैरिजन देखते हैं ना प्राइसिंग का, तो सिर्फ आपका 6,000 रुपये का ही डिफरेंस आता है। 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हो तो FZS V4 आप लोग बाय कर सकते हो। तो ये अपना प्राइस डिफरेंस भी आप लोगों को मिल चुका है। अब जो फ्रंट लुक की बात थी ना, जहाँ से थोड़ा बहुत चेंज आपको फील होगा, तो ये हेड है आपका FZS V4 का, जिसमें कि हेडलैम्प सेटअप ऑन होने के बाद भी काफ़ी अच्छा शेप आपको मिल जाता है। की तीनों ही बाइक्स में सेम है, या फिर कह सकते हैं यामा की सभी बाइक्स में यही की मिलता है, MT में भी, R15 सीरीज़ में भी और FZ सीरीज़ में भी। इग्निशन तीनों ही बाइक्स में यहाँ पर अपने को मिलेगा ये फ्यूल टैंक पे। तो इस टाइप से ये अपना इग्निशन ऑन हो चुका है, इग्निशन तीनों ही का साइड बाई साइड ऑन कर लेते हैं। इस टाइप से कुछ ये LED DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। अब ऑन करते हैं V3 का, तो V3 में भी वही इग्निशन आपका फ्यूल टैंक पे ही रहेगा। इस टाइप से कुछ ये आपका हेडलैम्प सेटअप ऑन है, और इंडिकेटर यहाँ पे हेलोजन मिलता है, यहाँ पे मिलता है अपने को LED जो कि एक चेंज हो जाता है। तो ये अपना कुछ इग्निशन ऑन के साथ ये लुक FZ V3 का ये आपका सेटअप बनेगा। अब ये हाई बीम अगर इसको कर देते हैं ना, तो हाई बीम पे ये दोनों कंपार्टमेंट आपके इग्निशन के साथ भी ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये LED DRL भी आ जाता है, कंप्लीट ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है LED में, वहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा दोनों में ही, यहाँ पे ये LED में सेटअप चेंज हो जाएगा विथ LED DRL। और ये वाला जो एक काउल टाइप है जो फाइबर में कवरिंग है, इसका शेप भी चेंज हो जाएगा। हालांकि नंबर प्लेट होल्डर आपका फ्रंट हेड पे ही रहेगा, यामा का जेल वाला लोगो भी सेम है, ये आपका शेप यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो कि कुछ इस टाइप से ही देखने में विजिबल रहेगा। ये रहा हेडलैम्प LED में, इंडिकेटर हेलोजन LED DRL, हेडलैम्प भी LED में और इंडिकेटर भी आपका LED में ही। तो ओवरऑल लाइटिंग सेटअप LED में ही हो जाता है, ये एक मेजर चेंज था। अगला मेजर चेंज आपका रहेगा MID में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा MID इन्फॉर्मेटिव हो जाता है V4 का। सस्पेंशन देखते हैं, जो कि सेम 41mm टेलीस्कोपिक ट्रेवल और थिकनेस 41 है ट्रेवल, ये आप लोग देख सकते हो। फ्रंट मडगार्ड सेम ही रहेगा, फ्रंट ब्रेकिंग भी सेम ही रहने वाली है, और रियर ब्रेकिंग भी सेम ही रहने वाली है सिंगल चैनल ABS के साथ। वाइब्री ब्रेकिंग 282mm का फ्रंट में डिस्क है वाइब्री ब्रेकिंग के साथ, इस टाइप से अलॉयज़ है, अलॉयज़ का शेप भी सेम है, टायर का शेप भी और ग्रेडिंग भी आपका सब कुछ सेम ही रहने वाला है। टायर का पैटर्न ये रहा और ये आपका FZ V3 में सेम वही ब्रेकिंग। तो अननेसेसरी खाली बिली वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, वही 282mm वाइब्री ब्रेकिंग, अलॉयज़ का शेप,
ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपका सेम ही रहेगा और ग्लॉसी ब्लैक में ही इन पर्टिकुलर तीनों ही कलर ऑप्शन में तो ये रहने वाला है, बट V4 के अदर कलर ऑप्शन में चीज़ आपका ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। सस्पेंशन सेम ही है और ये आपका लुक कुछ बनता है फ्रंट, जो कि चेंज हो जाता है। टायर सेटअप की बात करते हैं तो टायर फ्रंट में रहेगा 100 सेक्शन, रियर रहेगा 140 सेक्शन का। फ्रंट डन, साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो सीट हाइट का इन तीनों ही बाइक्स के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 790 mm का ही तीनों में सीट हाइट रहने वाला है, 790 mm का सीट हाइट है। सीट भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिल जाती है, जो कि साइज़ सेम ही ये चीज़ भी रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 165 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ओवरऑल सेम है, FZS वर्जन 4 ये चेंज कुछ आ जाएगा, बाकी फ्यूल टैंक का जो शेप है वो ओवरऑल सेम ही रहेगा। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है सेंटर वाला पार्ट, ये मैड ब्लैक अदर कलर ऑप्शन में ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी यहाँ पे ये चीज़ सेम ही हो जाती है। बाकी के कलर ऑप्शन में ये वाला पार्ट आपका मैड ब्लैक में रहेगा। 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, वही सेम सब कुछ यहाँ भी है। 790 mm सीट हाइट, 13 लीटर फ्यूल टैंक, ग्लॉसी ब्लैक और मैड ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं रहती। ये कंप्लीट ओवरऑल मैड ब्लैक वाला ही है और इंजन कॉल भी तीनों ही बाइक्स में आपको सेम ही ये चीज़ रहने वाली है। 790 mm, 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस सब कुछ सेम है, एग्जॉस्ट नोड भी सेम है, क्योंकि इंजन ही यहाँ पे आपका सेम हो जाता है। अब एक बार रियर टायर और रियर ब्रेकिंग सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। इस टाइप से ये टायर का पैटर्न है, टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट, रियर जो सस्पेंशन सेटअप है ये भी आपका सेम ही रहेगा। मोनोशॉक है तीनों ही वेरियंट्स में या फिर तीनों ही बाइक्स में। C8 ट्यूबलेस टायर अभी के लिए इस बाइक में ये इंस्टॉल्ड है। बाइबरी की ब्रेकिंग मिलती है आपको FZS V4 के रियर में। 220 mm रियर डिस्क का साइज़ है, 220 mm बाइबरी ब्रेकिंग पीछे भी है और बाइबरी ब्रेकिंग ही आपका आगे भी है FZS V4 में। टायर की ग्रेडिंग पीछे की 140, 60, 17 ये आपका टायर ग्रेडिंग सेम ही रहेगा। टायर अगर एक पार्ट, ड्यूल पार्ट, इस टाइप से एग्जॉस्ट है V4 में और इस टाइप से आपका एग्जॉस्ट का शेप और सेटअप रहेगा V3S में। प्लस रियर लाइटिंग भी फ्रंट लाइटिंग की तरह आपका चेंज रहेगा, इस टाइप से कुछ आपको FZ V3 में और FZS V3 में सेटअप ये रहेगा। टेल लैंप ये छोटा वाला पैटर्न आ जाता है, काफ़ी सिमिलर है जैसे कि FZ में हमेशा से चला आता ही था। नंबर प्लेट होल्डर, रिफ्लेक्टर 3 पीस में और इस टाइप से ही अपने को मिलेगा FZS V4 में। सेम टेल लैंप है जो कि MT में भी मिलता है, तो ये आपका चेंज एक सेटअप ओवरऑल हो जाता है। नंबर प्लेट का बल्ब है, ये हेलोजन में है, यहाँ पे सेपरेट आपको नंबर प्लेट का बल्ब भी मिलता है, ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती V3 में। अब एक और मेजर चेंज FZS V4 का अपन लोग रियर ब्रेकिंग देख ही चुके हैं, वहाँ पे रियर में थी बाइबरी ब्रेकिंग, बट FZS V3 में रियर में मिलेगा निसिन ब्रेकिंग, ठीक है, ये एक चेंज हो जाता है। फ्रंट में यहाँ भी वाइबरी है बट रियर में यहाँ पे निसेन आ जाता है, तो ये एक चीज़ आपका कॉम्बिनेशन चेंज रहेगा। वही C8 का यहाँ पे टायर है, ग्रेडिंग एक बार और देख लेते हैं, 140/60 R17 ये है अपना रियर टायर की। सब कुछ सेम ही सेटअप रहेगा बट ब्रेकिंग में एक डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ थी निसेन की, यहाँ थी वाइबरी की आगे और पीछे की, यहाँ पे निसेन की रियर में मिल जाती है। इस टाइप से कुछ ये आपका राइडर POV बाइक पे बैठने के बाद लुक आएगा FZS V3 का, क्योंकि यहाँ पे MID चेंज हो जाता है, वहाँ पे MID थोड़ा सा अलग आ जाता है। अब सीट की बात करते हैं तो सीट में यहाँ पे ब्लैक स्टिचिंग ही है, बट यहाँ पे आ जाता है आपका रेड स्टिचिंग वाला लुक FZS V4 में। ग्रे ब्रेल सेम है, दोनों ही बाइक्स के वेट में भी 1 kg का डिफरेंस आ जाएगा। FZS V3 रहेगा 135 kg, FZS V4 रहेगा 136 kg, सो 136 और 135, ये 135 ही दोनों सेटअप रहने वाला है। सोचिए सेटअप एक ही में कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपका सेम ही रहेगा। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच, ये रहा इंडिकेटर। इसमें हॉर्न नहीं है बट वही सिंगल बजर वाला ही हॉर्न देखने को मिलेगा, जो कि अपन वहाँ पे देख लेते हैं। क्लच का फील भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, बट वो चीज़ आप लोग शोरूम से ही USB टाइप एक्स्ट्रा पे करके इंस्टॉल करवा सकते हो एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे एक आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल हो जाता है। राइट साइड पे किल स्विच और आपका स्टार्टर थ्रोटल वगैरह भी यहाँ पे सब कुछ सेम ही है। बार एंड ग्लॉसी ब्लैक, MID का स्टार्टअप देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, या जता अपना सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में, यामा का लोगो है, RPM मीटर थोड़ा सा छोटा और ज़्यादा ये ना ब्राइट भी ये नहीं रहेगा, मतलब सनलाइट में देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत इसमें होगा। यहाँ जता अपना फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, क्लॉक अभी जो हो रहा है चेंज करने के लिए एक स्विच है, तो ऑडोमीटर आ गया, ट्रिप F आ जाता है, ट्रिप 1 आ जाता है, ट्रिप 2 क्लॉक,
तो यही सब कुछ है। एक रेगुलर ये दो ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, और क्लॉक मिल जाता है, आरपीएम मीटर है। तो ये अपना हुआ V3। अब आते हैं V4 पे, क्योंकि ये भैया नेक्स्ट लेवल चीज़ है। पहले तो हॉर्न सुन लेते हैं। तो इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी ज़्यादा लाउड हॉर्न यहाँ पर आएगा। इग्निशन वही आपका फ्यूल टैंक पे, हैंडल बार सब कुछ सेम है, स्विच सेटअप भी सेम है, राइट साइड का भी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है MID इस बाइक की हाई बॉडी। इस टाइप से ये पूरा एक वेलकम टाइप मिलेगा BT कनेक्टिविटी के साथ। काफ़ी सारे फीचर्स ओवर हेड हो जाते हैं। रेवल्यूमीटर की लाइट भी है, जो कि सिर्फ V4 में ही है। उसी के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है। अब ये है क्लॉक, RPM मीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, यामा की मार्किंग, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स। अब चेंजेस करने के लिए ये एक स्विच है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F। पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी ट्रिप मीटर है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज भी और रियल टाइम एवरेज भी है। TCS यहाँ से ऑन और ऑफ अपन कर सकते हैं, और ऑडोमीटर आ जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहता है। आप कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट, क्योंकि फ्यूल और बैटरी V4 में ही है, बाकी सेम सारा सेटअप, एग्जॉस्ट नोट का भी और स्टार्टअप भी रहेगा। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप सारी बाइक्स का यामा में रहता ही है। R15 वो फिर चाहे एरोक्स ही क्यों ना हो, RZR हो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप ना इनका रहता है, MT का, FZS का। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़, एक वाइब्रेशंस स्टार्ट होते समय ना फील नहीं होंगे। और ये रहा हेडलैम्प ऑन के साथ लुक, फ्रंट में LED DRL और हेडलैम्प भी आपका LED में ही है। यहाँ पे ये अपना ऑन है, इसकी बैटरी डाउन कर दे, बैटरी ऑफ कर देते हैं, क्योंकि भैया ये है अंतिम सांसों में, तो भैया आप हो जाओ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ऑन है ही। तो ये था अपना एग्जॉस्ट नोड भी डन, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तो चाहती है अपनी सारी डिटेल। अब एक बार कलर ऑप्शंस आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, V4 के भी, V3 के भी और FZ के भी, क्योंकि FZ में सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। सो कलर ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं V4 के साथ, ग्लॉसी ब्लैक, गोल्डन अलॉयज, ग्लॉसी रेड, गोल्डन अलॉयज, यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है। ये लेटेस्ट कलर है, ग्लॉसी ब्लू, पियानो ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन है, और अलॉयज भी यहाँ पे ब्लू में ही है। FZS V3 का ये है अपने पास मैट रेड वाला कलर ऑप्शन, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सेटिन वाला कॉम्बिनेशन है और ग्लॉसी ब्लैक में ही अलॉयज भी है। MT के कलर ऑप्शन कुछ अपने पास ये रहा है, और FZ सीरीज़ में ही FZX भी अवेलेबल रहती है, उसको भूल मत जाना भाई, अभी भी आती है, ठीक है। मैट ये रहा, वहाँ पे क्रोम भी आता है, और क्या लोग है, क्रोम के साथ अपना गोल्डन वाला लॉइस, बाकी इंजन वही सेम रहता है जो कि यहाँ पे रहता है। और ये है FZ V3 का अपना ब्लू वाला और सेकंड कलर ऑप्शन। तो ये सारी डिटेल थी आपकी कलर ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात भी अपन ब्लू के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि वह तो बहुत सारा आप लोगों ने देख लिया ना। सो 149cc का एयर कूल्ड SOSC 2-valve इंजन यहाँ पे मिल जाता है। 12.4 HP का पीक पावर और 13.3 Nm का टोटल टॉर्क है 5-speed गेयरबॉक्स के साथ। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है FZ सीरीज़ की, वो रहती है 115 km/h की। तो ये हो जाती है अपनी इंजन स्पेसिफिकेशंस भी कंप्लीट। बाकी यहाँ से आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी डिटेल दोनों ही बाइक्स में सब कुछ सेम ही रहता है, जैसे कि रहा FZ V3 वेट और V4 वेट। तो ये सब कुछ दोनों ही बाइक्स में सारा सेटअप सेम रहने वाला है। तो आप कौन सी आप लोग लेना प्रीफर करोगे, V3 या फिर V4, कमेंट में ज़रूर से बता देना है। 6,000 रुपये का अंतर है, 1,55,000 और 1,61,000, ज़रूर से बताना कौन सा V4 या फिर V3। एक हार्ड ज़रूर से छोड़ देना जो भी आप लोगों को लेना है। करते हैं वीडियो को एंड। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जैसे कि मैंने कहा था, एक लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना राइड रिव्यू के लिए। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।